चलिए आज की मैनेजमेंट से बातचीत करते हैं। हमारे साथ मौजूद भी है मिस्टर विशाल गुप्ता है, एमडी आशियाना हाउसिंग के। सर सबसे पहले तो नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। सबसे पहले टिकट साइज जो है, एवरेज टिकट साइज जो है वो किस तरह के हैं, क्योंकि जिस तरह से गवर्नमेंट ने ईज आउट किए हैं, लोन के अंदर एडजस्टमेंट्स किए हैं, स्पेस क्योंकि अलग अलग अफोर्डेबल हाउसिंग को लेकर गवर्नमेंट की अलग रणनीति है और बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए गवर्नमेंट की अलग रणनीति है, तो आप सबसे पहले क्लैरिटी देंगे किस तरह के प्रोजेक्ट्स में अप्लाई करते हैं और किस तरह के बेनिफिट आपको मिलते हैं। साक्षी, हम आशियाना जो है वो ज्यादातर घर मिडिल इनकम सेगमेंट के लिए बनाती है और हमारे मैक्सिमम होम्स 25 से 70 लाख के बीच में प्राइस्ड हैं। कुछ एक प्रोजेक्ट है जो गुड़गांव में है जो कि उससे कुछ अधिक उसकी प्राइस है, बट बाकी सभी 25 से 70 लाख के बीच में है और खासकर मैक्सिमम नंबर जो हमारे यूनिट्स हैं वो 35 से 50 लाख रुपए के रेंज में है और बहुत ही अफोर्डेबल है और जितनी सुविधा हम उसमें दे रहे हैं उसके हिसाब से दे आर वेरी वेल, वेरी गुड वैल्यू फॉर मनी। जी सर, कई आर्टिकल देखे सुने हैं हमने जिसमें ये बात मेंशन है कि रियल स्टेट स्पेस के अंदर डिमांड बहुत वीक है। आप ग्राउंड सिचुएशन सबसे बखूबी जानते हैं, आपके हिसाब से डिमांड सिनेरियो कैसा है, खासतौर से रूरल एरियाज में भी और अर्बन एरियाज में भी, यानी Tier 1 Tier 2 सिटीज जो है वहां पर भी और जो मेजर मेट्रोज है वहां पर भी, किस तरह का डिमांड सिनेरियो है? डिमांड अभी भी स्लगिश है बट ओवरऑल कुछ मार्केट्स में हम लोगों ने ऑलरेडी इम्प्रूवमेंट देख लिया है। जयपुर जैसे कि एक शहर है जहां पे हम लोगों को अच्छा बिजनेस मिल रहा है, चेन्नई में हम अच्छा बिजनेस कर रहे हैं और कुछ शहरों में हम पहले से इम्प्रूवमेंट देख रहे हैं, जैसे कि भिवाड़ी जो कि कंपनी का एक इम्पॉर्टेंट मार्केट था उसमें काफी स्लो डाउन आ गया था, उसमें लास्ट 3-4 महीनों में बुकिंग भी हुई है और साइट विजिट्स की मात्रा भी बढ़ी है, इंक्वायरी की मात्रा भी बढ़ी है, तो हर तरीके से एक पॉजिटिव मूवमेंट दिख रहा है और उम्मीद कर रहे हैं हम लोग कि आने वाला वक्त जो है खासकर उन कंपनियों के लिए जो ग्राहकों को ऑन टाइम डिलीवरी देती हैं, जो 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 प्रॉमिस करती हैं वो डिलीवर करती हैं। और आशियाना के बारे में एक खास बात और है कि भाई हम अपने प्रोजेक्ट से जुड़े रहते हैं और कोशिश करते हैं अगर ज्यादातर ग्राहकों की इच्छा हो तो उस प्रोजेक्ट का मेंटेनेंस भी हम लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं। तो ये सब चीजों का अगर मैं मिश्रण देखूं, समझता हूं कि इस पर्टिकुलर मार्केट में जहां की थोड़ा नेगेटिव न्यूज भी चल रहा है, कुछ खासकर कुछ बड़े डेवलपर्स के द्वारा जो डिलीवरीज में डिले हुए हैं उसके कारण ग्राहकों की जो जो उनका जो बहुत ट्रस्ट डेफिसिट है, तो इस तरह की चीजों में खासकर मैं समझता हूं कि आशियाना जैसी कंपनियों को फायदा मिलना चाहिए। जी मिस्टर गुप्ता, एक चीज और भी है क्योंकि आपके सेक्टर में बड़े सारे बदलाव हुए हैं, रेरा उनमें से एक बड़ा नाम है जिसको जो फेरबदल हुआ है, इस तरह के बदलाव के बीच में कितनी सिचुएशन बेटर हुई है, मतलब क्या पोस्ट रेरा एंड प्री रेरा में कोई डिफरेंस आया है और अगर आया है तो ग्राउंड रियलिटी क्या है, ग्राउंड चेक अगर किया जाए तो किस तरह की सिचुएशन है? तो मैं देखिए, रेरा अभी आया है, ये बहुत ही बढ़िया कदम है फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द बायर्स। इसमें जरूर अभी भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि डाइल्यूट करने की आवश्यकता है क्योंकि उसके कारण कॉस्ट पे भी एक बड़ा असर पड़ता है और कई बार क्या होती है कि कुछ चीजों को कहते हैं ना कि कम नियम रखिए बट उसको इम्प्लीमेंट अच्छे से कराइए, उसकी एफिशिएंसी शायद ज्यादा होगी, तो आई थिंक वहां पे कुछ संतुलन का दरकार है रेरा में कि बहुत सारी नियम कर दिए हैं, बहुत सारा कंप्लायंस कर दिया जिसका कॉस्ट बहुत है, कुछ उसको कम करके भी ग्राहक को उतना ही बेनिफिट मिल सकता है एंड उसका कॉस्ट कम हो सकता है। तो मैं ये समझता हूं कि रेरा का अगर मैं संक्षेप में बोलूं, और आने वाले वक्त में रेरा का डेफिनेट फायदा होगा। एक मैं समझता हूं कि लैंड की प्राइसेस जो एक
अनरीजनेबल तरीके से बढ़ रही थी, उसके अंदर क्योंकि अब आपको पैसा आपके प्रोजेक्ट में ही लगाना है तो प्रोजेक्ट का पैसा दूसरी जमीनों को खरीदने में डाइवर्ट नहीं होने की वजह से लैंड प्राइसेस में सर्टेनली एक ठहराव आएगा, जो कि अफोर्डेबल हाउसिंग, बजट हाउसिंग को, मिडिल इनकम ग्रुप हाउसिंग को एक बहुत बड़ा बूस्ट उससे मिलेगा। ओके सर, नोटबंदी के बाद सिचुएशन थोड़ी सी डिरेल हुई थी पूरे ही इकोनॉमी की, रियल स्टेट की पर्टिकुलरली सिचुएशन कैसी रही थी और क्या जो पूरा साइन ऑफ इम्प्रूवमेंट है, यानी कि पूरा जो सिचुएशन है वापस उन्हीं लेवल्स पे आ गया, यानी प्री डिमोनेटाइजेशन सिचुएशन पर आ गया है, या अभी भी कुछ प्रॉब्लम है, कुछ लैग है, आने वाले टाइम में शायद थोड़ा बेटर हो? देखिए मैं समझता हूं कि बड़ा आसान है, अगर आप आपके यहाँ पहले से बिजनेस कम है तो आप मार्केट को ब्लेम कर दीजिए, आप डीमोनेटाइजेशन को ब्लेम कर दीजिए, कुछ अंदर भी झांकने का दरकार है और देखने की जरूरत है कि आप क्या बदलाव ला सकते हैं, ग्राहक की जरूरत रियली क्या है। और मेरा मानना है कि डीमोनेटाइजेशन के कारण एक जो इनडिसिसिव का जो एक माहौल बना जहां पे कस्टमर बहुत इनडिसिसिव हो गया था, तो वो माहौल मेरी तरह से मेरा ये मानना है कि वो पूरी तरह से अब खत्म हो गया। तो ये तीन एक अनसर्टेनिटी थी मार्केट में, रेरा कब आएगा, जीएसटी का और डीमोनेटाइजेशन, ये तीनों ही अनसर्टेनिटीज खत्म हो गई हैं और कस्टमर इस चीज को रियलाइज कर रहा है और हम लोग भी ये महसूस कर रहे हैं कि और ज्यादा से ज्यादा ग्राहक, चाहे वो गुड़गांव का मार्केट हो, चाहे वो भिवाड़ी का मार्केट हो, जोधपुर का मार्केट हो, इन सभी लोकेशंस में हम ये महसूस कर रहे हैं, लवासा का मार्केट हो, हम सब जगह पहले से मच मोर नंबर ऑफ इंक्वायरीज, साइट विजिट्स और बुकिंग्स, तीनों ही चीजों को ग्राउंड पे होते हुए देख रहे हैं। ओके एक चीज और सर, क्योंकि जो जीएसटी है वो उसका इम्प्लीमेंटेशन भी हाल में हुआ है और जीएसटी का इम्प्लीमेंटेशन भी एक बड़ा बदलाव है इकोनॉमी के हिसाब से, कितना इम्पैक्ट आपके बिजनेस पर आया और क्या इंडस्ट्री की सिचुएशन इम्प्रूव हुई है, कुछ अपटिक्स आए हैं? तो एक तो जो सबसे बड़ा हमारा जो कंसर्न है, जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उनके जो बैलेंस पेमेंट्स के ऊपर हम जीएसटी तो चार्ज कर रहे हैं, बट जीएसटी का जो इनपुट क्रेडिट कितना देना है उसकी जो कैलकुलेशन है वो अभी पूरी तरह से उस पर क्लैरिटी आई नहीं है, जिसके कारण ग्राहक थोड़ा रेस्टलेस हो रहा है। और क्योंकि हमारे पास उस क्लैरिटी को, क्योंकि हम भी अपने सारे जो वेंडर्स हैं उनके साथ नेगोशिएट कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि एग्जैक्टली हमको कॉस्ट का कितना बेनिफिट मिलेगा जो कि हम पास ऑन कर सकें, तो ये एक अनसर्टेनिटी सर्टेनली हम लोग फील कर रहे हैं। बट आई थिंक इतना बड़ा चेंज है, इतना पॉजिटिव चेंज है गवर्नमेंट का, तो संभव है कि ये मतलब कि इट इज नेचुरल कि थोड़ी सी तो प्रॉब्लम्स आएंगी, बट इट्स अ मैटर ऑफ अनदर मंथ, मे बी टू मंथ्स एंड एवरीथिंग विल बी नॉर्मल एंड आई थिंक दिस इज गोइंग टू हैव अ सुपर एंड अ फैंटास्टिक इम्पैक्ट ऑन द इंडियन इकोनॉमी गोइंग। ओके चलिए आपसे हम बातचीत जारी रखेंगे मिस्टर गुप्ता, एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है, ब्रेक के बाद लौट रहे हैं आपसे हम चर्चा जो है लगातार करते रहे। आप देख रहे हैं कॉर्पोरेट रडार, हम बातचीत कर रहे हैं आशियाना की मैनेजमेंट के साथ, हमारे साथ मिस्टर गुप्ता, मिस्टर विशाल गुप्ता मौजूद हैं, एमडी आशियाना हाउसिंग के। सर अब तक जो हमने बात की उसमें रेरा के हमने जिक्र किया, हमने बातचीत की डिमोनेटाइजेशन को लेकर भी, लेकिन एक चीज जो क्रूशियल है वो है इंडस्ट्री की सिचुएशन, खासतौर से जो गवर्नमेंट ने रिसेंटली कामकाज किया है, चाहे वो अफोर्डेबल हाउसिंग को लेकर हो, स्मार्ट सिटीज को लेकर हो, या और भी कई जो स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की उन पे जो कामकाज किया हो, इनके मद्देनजर कितना बेनिफिट कंपनी को इंडिविजुअली मिला है और क्या एक्चुअल में कुछ रियल टिक्स आ रहे हैं, कुछ इंप्रूवमेंट आ रहा है इन सभी चीजों की वजह से? तो एक बहुत बढ़िया स्कीम जो गवर्नमेंट ने निकाली है पीएमएवाई, जिसके अंदर जो क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम है, उसमें
गवर्नमेंट का इतना बड़ा इंकरेजमेंट है, 2,35,000 रुपए ऑलमोस्ट गवर्नमेंट एक तरीके से आपको दे रही है उन लोगों को जिनकी फैमिली इनकम सालाना 18 लाख रुपए तक है, उनको इस तरह का बेनिफिट गवर्नमेंट की तरफ से मिल रहा है। तो मैं समझता हूं कि एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है जहां पे आपके घरों की कीमत 2,35,000 रुपए से एक्चुअली इन इफेक्ट कम हो जाएगा। ओके एक चीज और सर, क्योंकि जो सिचुएशन अब तक रही है सभी चीजों को इन्वॉल्व कर ले, चाहे रेरा हो, डिमोनेटाइजेशन हो, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स हो, इन चीजों के मद्देनजर कंपनी का क्या कामकाज का स्थिति है, कंपनी की प्रोजेक्ट पाइपलाइन कैसी है, कैसी डील पाइपलाइन आप देख रहे हैं अपकमिंग क्वार्टर्स के लिए? मैम एट द मोमेंट द कंपनी इज इन द कंसोलिडेशन मोड। हम लोग जितने भी ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स हैं उनको, कईयों को हमने कंप्लीट कर दिया है और कुछ जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको ही हम लोग उनपे कॉन्सेंट्रेट करके उनको और फास्ट कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। नए प्रोजेक्ट्स की बात करें तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस क्वार्टर में एक प्रोजेक्ट हम लॉन्च कर पाए और नेक्स्ट क्वार्टर में एक और प्रोजेक्ट, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो हमारे ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स हैं उनमें 3 या 4 प्रोजेक्ट्स में हम नए फेजेस लॉन्च कर देंगे इस अगले 2 क्वार्टरों में। ओके जिस तरह की आपने एक्सपेंशन की बात की सर, जो जो प्रोजेक्ट्स आपने बताए इसको मद्देनजर रखते हुए क्या कोई फंड रेज जो कंपनी प्लान कर रही हो, कोई रकम जुटाने की योजना बना रही हो? सो वी ऑलरेडी आर सिटिंग ऑन कैश, वी हैड रेज्ड मनी ड्यूरिंग 2.5 ईयर्स बैक थ्रू अ QIP एंड वी हैव नॉट डिप्लॉयड द एंटायर मनी येट, सो वी आर होपफुल दैट वील बी एबल टू डिप्लॉय दिस मनी इन द फ्यूचर प्रोजेक्ट्स। आपसे हम बातचीत जारी रखेंगे सर, लेकिन दो बड़े बड़े अपडेट्स आ रहे हैं। पहला तो एक SGFC से जुड़ी हुई खबर आ रही है जहां पे फंड रेजिंग की योजना है, और दूसरा PM जो कि ब्रिक्स के सम्मेलन में मौजूद है वहां से कुछ अपडेट्स आ रहे हैं जहां पे शी जिनपिंग अब कुछ बयान दे रहे हैं कि जो भी विवाद चल रहा है उस विवाद के मद्देनजर आने वाले समय में दोनों ही देश मिलकर ही कामकाज करेंगे, और इसके अलावा पंचशील सिद्धांत को भी ध्यान में रखकर उसके आधार पर ही आगे जो ग्रोथ है उसको देखा जाएगा। साथ ही साथ भारत के साथ जो भी विवाद चल रहा है सीमा को लेकर, जिसमें उम्मीद भी थी कि आज कुछ चर्चा होगी, उसके मद्देनजर एक शांतिपूर्ण रिश्ता जो है वो जरूर चाहते हैं, और दोनों ही देशों के जो 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 दोनों ही देशों के बीच में जो बातचीत हो रही है, दोनों देशों के बीच में जो कामकाज चल रहा है उसे फर्दर एक्सपैंड करते रहेंगे। ये क्रूशियल इसलिए हो जाता है क्योंकि हाल फिलहाल में जिस तरह की जियो पोलिटिकल टेंशन रही है खासतौर डोकलाम को लेकर, उसके बाद ये पहला और बड़ा बयान आया है शी जिनपिंग की तरफ से कि आगे चलकर जो रिश्ते हैं वो शांतिपूर्ण रखेंगे और कोई भी ऐसा इशू आगे फ्यूचर में ना हो इस तरह की चीजों को वो जरूर इंश्योर करते रहेंगे। तो ऐसे ये क्रूशियल चीजें हैं, इस बयान का एक इम्पैक्ट पॉजिटिव साइड पे ही एटलीस्ट, और शायद इसीलिए मार्केट एटलीस्ट अस्टूट नहीं रहा है, एक जो स्ट्रेंथ है वो बनाए हुए है। 26 अंकों के आसपास की बढ़त निफ्टी में अभी भी देखने को मिल रही है। बातचीत जारी रखते हैं सर। मिस्टर गुप्ता, जो अगला सवाल था वो यही था, क्योंकि आपने फंड रेजिंग की बात कर दी, लेकिन अब क्या सेल वाइज या एवरेज रियलाइजेशन वाइज कुछ इंप्रूवमेंट आया है पर स्क्वायर फीट के हिसाब से अगर देखा जाए, क्या कोई इंप्रूवमेंट है, या फिर अगले 6 से 9 महीने में क्या फेस्टिव डिमांड भी आने वाली है उसके मद्देनजर कुछ इंप्रूवमेंट आएगा? So for us, August has been the best month in this financial year in terms of sales. और उम्मीद कर रहे हैं कि सितंबर में अगर हम कुछ और इससे बेहतर नंबर्स कर सके तो हमारा सेकेंड क्वार्टर परफॉर्मेंस फर्स्ट क्वार्टर से बेहतर होएगा। हाँ, तो हम जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि जिस तरह का हम साइट विजिट नंबर्स देख रहे हैं, जिस तरह की इंक्वायरी नंबर्स है, सेल्स में इम्प्रूवमेंट है, नंबर ऑफ रीविजिट्स में इम्प्रूवमेंट है, इन सबको देखते हुए और मार्केट में जो अनसर्टिनटीज है वो काफी खत्म हो गई है। आशियाना के पास एक और बेनिफिट है, हमारे पास बहुत सारा रेडी इन्वेंट्री है, आज कई कस्टमरों की डिमांड रेडी इन्वेंट्री की है, तो इन सबको देखते हुए प्लस जो हम नए लॉन्च भी प्लान कर रहे हैं या नए प्रोजेक्ट या नए फेजेस को, इन सबको देखते हुए यही फीलिंग तो यही है कि अगले 6 महीने में वी शुड बी मच बेटर देन द फर्स्ट 6 मंथ्स। ओके
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर गुप्ता अपना समय हमें देने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए, तमाम विस्तार और चर्चा करने के लिए। और जैसे जैसे हम बात कर रहे थे वैसे वैसे आशियाना हाउसिंग का शेयर भी एक अच्छी तेजी पकड़ रहा है, 5% ऊपर शेयर आ चुका है, 181-182 के स्तरों पर कामकाज करा, और साथ ही साथ पूरे रियल स्टेट स्पेस में बाइंग आ गई है, जिसमें सेंटेक रियल्टी और रियल्टी जो शेयर है उनमें एक का खरीदारी आते दिखाई पड़ रही है, सब दिन के ऊपरी स्तरों के आसपास ही कामकाज कर, तो पूरे रियल स्टेट स्पेस में एक अच्छी बस देखने को मिल रही है। मिस्टर विकास सिटी में हमारे साथ मौजूद।